अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास सिक्स मैथ और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज ट्वेल्व को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और इसके आगे चार ऑप्शंस होते हैं तो इन चार ऑप्शन में से जो एक ऑप्शन है ये करेक्ट होता है तो उसको हमने टिक करना है तो पार्ट वन की तरफ आ जाते हैं द्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट मयर्स हाउ लाइकली इट इज दैट समथिंग विल हैपन इस्ड मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें किसी चीज के होने के चांसेस या इम्कान को मायर किया जाता है तो उस ब्रांच या टॉपिक को क्या कहा जाता है प्रोपेबिलिटी तो ये जो बी ऑप्शन है ना इसको आपने टिक कर लेना है अब आगे पार्ट टू की तरफ आते हैं देयर आर डेइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो एक्सपेरिमेंट्स की कितनी काइंड हैं टू ठीक है तो ये जो बी ऑप्शन है ना इसको आपने टिक कर लेना है नेक्स्ट पार्ट थ्री है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड तो किसी भी रेंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स के सेट को क्या कहा जाता है सैंपल स्पेस तो ये जो ए ऑप्शन है ना इसको आपने टिक कर लेना है नेक्स्ट पार्ट फोर है अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड तो रेंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट को क्या कहा जाता है आउटकम तो ये जो सी ऑप्शन है ना ये ठीक है इसको आपने टिक कर लेना है नेक्स्ट पार्ट फाइव है द सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग डाइस इज तो जब लूडो के दानों को हम रोल करेंगे तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा यानी उसके आउटकम्स क्या होंगे ठीक है तो जब हम लूडो के दानों को रोल करेंगे तुम्हारे पास कौन कौन सा नंबर आ सकता है उस पर वन आ सकता है टू या थ्री फोर आ सकता है या उस पर फाइव आ सकता है तो सिक्स तक ठीक है तुम्हारे पास ये वाला सैंपल स्पेस आएगा तो ये जो ये ऑप्शन है ना इसको आपने टिक कर लेना है नेक्स्ट पार्ट सिक्स है

नंबर ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो इस ऑप्शन को आपने टिक कर लेना है ठीक है नेक्स्ट पार्ट एट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स फॉर टॉसिंग अ इज तो जब हम एक क्वेन को टॉस करेंगे उछालेंगे तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है यानी हेड आने के कितने चांसेस हैं तो चलिए इसको हम रफ पे सोल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस ठीक है यानी कौन कौन सा आउटकम आ सकता है तुम्हारे तो पास एक ही क्वेन है ना तो जब हम उसको हवा में उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा ठीक है तो ये सैंपल स्पेस हो गया तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड है की तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से क्या मुराद है यानी जिसके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं ना उनकी उसकी तादाद तो अगर हम देखें ना तो ऐड की यहाँ पर तादाद कितनी है सिर्फ एक ही है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे कितनी है टू तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो एड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी वन ओवर टू तो यहाँ पर ये जो वन ओवर टू है ना ये वाला ऑप्शन इसको आपने टिक कर लेना है ठीक है तो चलिए मैं इसको टिक कर लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट नाइन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई इन द वर्ड मैथमेटिक्स इज तो वर्ड मैथमेटिक्स में जो लेटर ई e है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो भी हमने प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो आउटकम हम चाह रहे हैं उनकी तादाद तो हम कौन सा लेटर चाह रहे हैं ई e. तो अगर हम इनमें देखें ना तो ई e की तादाद यहाँ पर सिर्फ एक ही है यहाँ पर ई e सिर्फ एक दफा ही आया है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यानी जो इन लेटर्स की टोटल तादाद, तो तो तादाद कितनी है इलेवन इसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो ई e की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी वन ओवर इलेवन तो यहाँ पर देखिए वन ओवर इलेवन यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ये बी ऑप्शन में इसको आपने टिक कर लेना है

इससे आपने नीचे आ जाना है तो ये देखिए के डेफिनेशन ठीक है ये इज प्रोपेबिलिटीबिलिटी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स दैट हाउ लाइकली समथिंग विल हैपन तो की वो शाख है कि जिसमें किसी चीज के होने के चांसेस या इम्कान को मैयर किया जाता है तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं प्रोपेबिलिटी अब इसी से नीचे आपको एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी ठीक है ये यहां पे लिखा हुआ ना एक्सपेरिमेंट ये

अब आगे पार्ट थ्री को देखें सैंपल स्पेस और साथ में पार्ट फोर को भी देख लें आउटकम तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगी तो आपने आ जाना है पेज नंबर वन हंड्रेड सेवेंटी पर ठीक है तो यहां पर देखिए सैंपल स्पेस तो ये सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है ठीक है यहां से ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अ सैंपल स्पेस एंड इज डिनोटेड बाय एस तो किसी भी रेंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स के सेट को क्या कहा जाता है सैंपल स्पेस और इसको किसे डिनोट किया जाता है ऐसे ठीक है तो यहां तक आपने याद रख लेना है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब डाइस को यानी जो लूडो का दाना होता है ना जब हम उसको रोल करते हैं तुम्हारे पास पॉसिबल है या तो वन आएगा या फिर उस पर थ्री आएगा या टू आ सकता है या फोर आ सकता है फाइव सिक्स तो ये जितने भी आउटकम्स हैं इनके सेट को क्या कहा जाता है सैंपल स्पेस नेक्स्ट हमने किसको डिफाइन करना था आउटकम को ठीक है तो ये नीचे आ जाए ये तो ये आउटकम की डेफिनेशन है अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट को क्या कहा जाता है आउटकम तो सैंपल स्पेस और आउटकम ये दोनों सेम ही चीजें हैं इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है नेक्स्ट पार्ट फाइव है सिंपल इवेंट पार्ट सिक्स को भी देख लें कंपाउंड इवेंट और साथ में पार्ट एट को भी देख लें इक्वली लाइकली इवेंट तो इन तीनों की डेफिनेशंस आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगी तो आपने आ जाना है पेज नंबर 178 पर तो ये देखिए सिंपल इवेंट की डेफिनेशन भी यहां पर मौजूद है कंपाउंड इवेंट की भी और इक्वली लाइकली इवेंट्स की भी तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल इवेंट को एन इवेंट विच सिंगल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सिंपल इवेंट तो ऐसा इवेंट जो सिंगल पॉइंट पर मुश्तमिल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं सिंपल इवेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम सिर्फ एक वेन को हवा में उछालेंगे तो या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल यानी हमारे पास सिंगल वैल्यू या सिंगल पॉइंट ही आएगा यानी या तो हेड आएगा या सिर्फ टेल आएगा तो ऐसा इवेंट जिसमें सिंगल वैल्यू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं सिंपल इवेंट अब आगे कंपाउंड इवेंट को देख लें एन इवेंट विच कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट तो ऐसा इवेंट जो एक से ज्यादा पॉइंट पर होता है तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं कंपाउंड इवेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम टू क्वेंस लेते हैं तो उनको अगर हम हवा में उछालेंगे तो हो सकता है हमारे पास हेड हेड आ जाए ठीक है दोनों पर हो सकता है एक पे हेड और एक पे टेल हो सकता है एक पे टेल और एक पर हेड आ जाए हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए यानी जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो डबल वैल्यू में होगा ठीक है

ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या बनता है वाटर तो ये हम पहले ही जानते हैं ठीक है कि इससे वाटर बनेगा एक और एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम फोर और फाइव को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा नाइन तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अब इसी से नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट ये देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट फॉर विच दी आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्सेप्ट दैट इट इज नोन टू बी वन ऑफ दॉसिबल आउटकम इस्डम एक्सपेरिमेंट तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को हम प्रिडिक्ट कर सकते यानी उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है ना वो हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम एक क्वन लेते हैं जिस पर हेड और टेल होता है तो उसको हम हवा में उछालेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि यह हेड आएगा या टेल आएगा या आप एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जब हम डाइस को रोल करते हैं तो क्या पता कि उस पर वन आएगा थ्री टू आएगा फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा तो इसके बारे में हम कोई बता नहीं सकते तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है रेंडम एक्सपेरिमेंट तो ये रेंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन होगी ठीक है यहां से लेके यहां तक तो इन तमाम को हमने डिफाइन कर लिया जिसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है ये कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ है, tasked, तो क्वेश्चन उछाला गया प्रोबेबिलिटी तो है यानी दोनों क्वेंस पर टेल टेल आने के क्या चांसेस हैं तो जब हम उन टू क्वेंस को उछालेंगे तुम्हारे पास कौन कौन सा आउटकम आ सकता है तो सबसे पहले वो तमाम के तमाम हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे जिनको सैंपल स्पेस कहा जाता है ठीक तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू तो हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए हो सकता है एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए हो सकता है पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ जाए हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए तो आगे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स यानी इनकी जो टोटल तो तादाद है इन आउटकम्स की तो कितनी है वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो आउटकम या जिस इवेंट की हम प्रोपबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उसकी तादाद कितनी है तो हम टेल टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं ना तो वो सिर्फ यहाँ पे एक दफ़ा ही है यानी उसकी तादाद एक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन आगे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स तो प्रोपबिलिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स

तो यही हमने फाइंड करना था तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है ये कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की तरफ तो है टू डाइस आर रोल्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एन इवन प्राइम यानी टू डाइस जो लूडो के दाने होते हैं उनको रोल किया गया तो हमने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिसके दोनों नंबर्स का सम किसके इक्वल हो इवन प्राइम के इक्वल हो अब पहले हम समझ लेते हैं कि ईवन प्राइम कौन सा नंबर होता है तो ईवन के बारे में आपको पता होगा कि ईवन कौन से नंबर होते हैं जैसे टू फोर सिक्स एट टेन वगैरह वगैरह ठीक है इस तरह आगे चले जाते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जिन पे एक अपना खुद का टेबल रीड होता है और एक वन का टेबल रीड होता है ठीक है जैसे टू थ्री फाइव सेवन इलेवन वगैरह वगैरह ठीक है तो यहाँ पर देखिए ना टू ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये बात याद रख लें कि जो टू है ये एक इवन प्राइम नंबर है इसके अलावा और कोई नंबर भी इवन प्राइम नंबर नहीं है तो यहाँ पर टू की बात हो रही है, ठीक है यानी हमने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिसके दोनों नंबर्स का सम किसके इक्वल हो टू के इक्वल हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब उन टू डाइस को हम रोल करेंगे तुम्हारे पास कौन कौन सा आउटकम आ सकता है तो वो तमाम के तमाम आउटकम्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं तो इन तमाम आउटकम्स को क्या कहा जाता है सैंपल स्पेस तो आपने यहाँ पे लिखना है सैंपल स्पेस यानी एस इज इक्वल टू तो हो सकता है एक पे वन और दूसरे पे भी वन आ जाए हो सकता है एक पे वन दूसरे पे टू आ जाए ठीक है तो जितने भी आउटकम्स है ना वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं तो हमने कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिसके दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो उनका सम किसके इक्वल आए टू के इक्वल आए यानी इवन प्राइम नंबर के इक्वल आए तो हम इनमें से देख लेते हैं कि वो ऐसा कौन सा इवेंट है तो देखिए ना हम पहले वाले को देख लेते हैं वन वन यानी कि अगर हम वन वन को ऐड करें तो क्या आता है टू इसके अलावा और कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसके दोनों नंबर का सम टू के इक्वल हो तो यही सिर्फ हमारे पास एक ऐसा इवेंट है कि ज, के इनके नंबर को हम ऐड करें तो ये टू के इक्वल आता है यानी हमने सिर्फ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो यहां पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वन ठीक है हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इज इक्वल टू तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से क्या मुराद है यानी जिस इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना उसकी तादाद यहाँ पे कितनी है तो वन नहीं है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो इन आउटकम्स की टोटल तादाद है तो अगर आप इन तमाम को काउंट करें ना इन तमाम इवेंट्स को ठीक है इस तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह तो ये तमाम के तमाम इनकी टोटल तादाद कितनी है थर्टी सिक्स तो नीचे आपने लिख लेना है थर्टी सिक्स तो वन ओवर थर्टी सिक्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही आंसर होगा वन ओवर थर्टी सिक्स यानी दोनों डाइस पर वन वन आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या है वन ओवर थर्टी सिक्स तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर है ये कंप्लीट हो चुका है

तो वो कह रहा है कि जब उस स्पिनर को घुमाया जाएगा तो फाइव से लेस देन जो नंबर है यानी वन टू थ्री फोर ठीक ये जो नंबर है इनके आने के चांसेस और जो इसके अलावा नंबर है five, six, seven, eight, इन के आने के तो ये क्या आपस में इक्वल इक्वल है यानी इक्वली लाइकली है या फिर अनलाइकली है या फिर इम्पोसिबल है एक चीज तो हमने ये बतानी है अब आगे देखें आल्सो फाइंड इट्स प्रोपेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन फाइव और जो फाइव से लेस नंबर है यानी हमने भी फाइंड करनी है तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं तो बाकी लाइकली अनलाइकली इक्वली लाइकली या इम्पॉसिबल को हम बाद में देख लेते हैं तो सबसे पहले हम प्रोपेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं इन नंबर्स की तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोपबिलिटी ऑफ वन टू थ्री फोर तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से क्या मुराद है यानी जिन इवेंट्स या जिन आउटकम्स के हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उनकी तादाद कितनी है तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं ना यानी वन टू थ्री फोर तो इनकी तादाद कितनी है 1, 2, 3, 4, तो इनकी तादाद क्या है फोर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी जो इन आउटकम्स की टोटल तादाद है तो इनकी टोटल तादाद कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो नीचे हम लिखेंगे एट अब इनकी कटिंग फोर के टेबल के साथ हो सकती है ठीक है तो फोर वन टाइम फोर फोर टू टाइम एट तो हमारे पास क्या आ रहा है इज इक्वल टू वन ओवर टू यानी टू चांसेस में से वन चांस है कि या फोर आ जाए। तो बाकी जो वन चांस बच गया है, फिर वो किन के लिए वो है और जो बाकी एक चांस वो इन के लिए है तो दोनों तरफ जो नंबर्स हैं इनके आने के चांसेस क्या हैं इक्वली इक्वल हैं तो फिर इन इवेंट्स को हम क्या कहेंगे इक्वली लाइकली ठीक है तो साथ में आप ये भी इक्वली लाइकली तो इस तरह हमने वन टू थ्री फोर की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी फाइंड कर ली जो कि क्या आ रही है ओवर और साथ में हमने ये भी बता दिया कि जो फाइव से लेस देन नंबर्स हैं यानी वन टू थ्री फोर और जो इसके अलावा बाकी नंबर्स हैं इनके आने के चांसेस आपस में क्या है इक्वल इक्वल equal है ठीक है जिनको क्या कहा जाता है इक्वली लाइकली तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने यही फाइंड करना था तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर फाइव है ये कम्पलीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज ट्वेल्व है ये भी कम्प्लीट हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्लासिक्स मैथ की बुक है ये भी कंप्लीट हो चुकी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लासिक्स में पास होकर क्लास सेवन में जाएंगे तो मेरी क्लास सेवन मैथ की वीडियोस को लाजमी वाच कीजिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर्स के साथ कामयाब करे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज